बाबू साहब हमारा पांव छू रहे हैं, हम उसके पैर छू रहे हैं। किस लिए?
क्योंकि हमारी बात मान जाए। तुम्हारी बात? चलो ठीक है, इस पर भी मुझे मंजूर है। बोलो सुमना। मैं ही कह रहा हूं, तुम एक बात मान जाओ और बगीचे में तुम लकड़ी तोड़ने और काटने के लिए आई हो। ये सब जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। मान न लेती हमारा कहा नवाना।
छमरा कहाँ से आ गया बे? ये सालक जो अभी खीरा का बतिया है कौन सा धमकी दे रहा है? इससे साले से मुझसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? हम यहाँ पर लूटने नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग लुटाने आए हैं। मैं जामा मेरे करीब आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, गुबत जाएगा। मैं जामा यहाँ करीब आओ प्लीज। हमारी बात मान जाओगी, कसम से चलकर हमारे हवेली के राज करोगी। चप्पल से नहीं, चप्पल तो आम बात है, हमको संगीत से मारो, जूता से मारो, मगर एक किस जरूर दो। बोलो मेहरबानी मत, क्या कहना चाहती हूँ नाजुक होठों से? जवानी पर हम लोग घायल। पहली बार तो गर्मा की बात मत करना। हम लोग ना गर्माओ तरह तरह, मतलब हम का लोग मन से जो समझाता है ना, मन से जो समझाता है तो लेकर जाऊंगा। कभी लौट जाएगी क्यों?
वो अपने घर जाएगी नहीं जाएगा वो अपने घर जाएगी जी हाँ उसका घर कौन है बे? मैं हूँ हम लोग हैं तुम जा सकते हैं मैं तो जाऊंगा लेकिन इसे साथ लेकर जाऊंगा अरे सुन ले पाजी रो मत कान अब ना ले कर अपनी जान वरना ले लूंगा तेरी जान तुझे मान मान
जान ना बचा। अरे यार तुम तो जानते हो अच्छे तरीका से कि मेरी शादी हो चुकी है। बिल्कुल हम लोग भी आहुत कई भले दूसरी शादी नहीं करूँगा कदापि ना। एक एक माला भैया हम कई जान ना बचाए हमारी शादी हो चुकी है और हमारे पत्नी का नाम कब तक था आज इस दुनिया में नहीं है मुझे छोड़ के चले गए इसीलिए मैं शादी करना नहीं चाहता। लेकिन कैसे जब से नहीं ना
से ही दिल मिल गया ना, तब से कुछ अच्छे लाए लाए बा। अब शर्त ये मैं अपने घरे लेकिन कैसे है आज कल मुर्गा पका रहा था।
कोई बात नहीं, खा पी करके आ रहा ना। खांसी का तीनों पकावट रहे अगली दस्त और चाप पिछला। चुप, सारी बात छोड़। हाँ। सबसे पहले इन भाई और बहनों से मेरी परिचय दे दे। वैसे तो दोस्तों मेरा नाम चुस्ता सिंह है। तेरा नाम बताने की बात नहीं कर रहा, मेरा नाम इन लोगों को बता दे। सरदार जी आज तक तो हर कहो ले ना। तो दोस्तों ये मेरा सागर, मेरा साथी। आप अपना नाम बता। पढ़ा लिखा कम है ना छुट्टी, ये साफ साफ नहीं बोल सकता कि जमाने में लकवा मारते हैं। ठीक है, तू की साइलेंट हो जा, मैं अपने पैसे स्वयं देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम मंगल सिंह है। वैसे मैं तुझसे अपने दिल की बात बता रहा हूँ। सरदार जी आपका नाम मंगल सिंह, मेरा नाम सुमवार। सारे बोला ना कि बीच में खचर पचर नहीं करना, मैं अपनी परिचय दे रहा हूँ। और इधर मैं तुझी से बता रहा हूँ पिछली गुजरी हुई कहानी। मेरे सर पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है, अगर मैं किसी से कहूंगा नहीं तो बोझ हल्का नहीं होगा। सरदार जी आपके यदि हमेशा गुफे में हंसते रहते हैं, उससे अच्छा मेरा दोस्त कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए मैं आज इन भाइयों बहनों के बीच तेरे सामने अपनी बात रख देना चाहता हूँ, मेरे सर का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। बताइए सरदार जी। मेरे यार मैं डकैत कैसे बन गया? कैसे सरदार जी, आखिर कारण क्या है जो आप डकैत बने हैं? उसका कोई मकसद होगा। बेटा मैं बहुत साधारण इंसान था। यानी आप बहुत साधारण थे। मेरा नाम शंकर। यानी यदि आपका नाम शंकर था। मैं आजमगढ़ का रहने वाला था। जिला आजमगढ़ जी, और फतेहपुर का निवासी था। मेरी एक बहन थी जिसका नाम राधा था। आपकी एक बहन थी, आपसे छोटी थी, जिनका नाम कविता था। कविता, मैंने अपनी बहन कविता को अपने हृदय से मानता था। इसके लिए जीवन भी अपना दे देने के लिए तैयार रहता था। यानी आप अपनी बहन के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे, और अगर जरूरत पड़ती तो जान लेनी। हाँ बेटा हाँ, मगर क्या हुआ कि मेरी गरीबी मेरी बहन की तकदीर बन गई। बे क्या क्या सरदार जी, आपकी गरीबी आपके बहन की तकदीर बन गई? हाँ मेरे भाई, सुन तो मेरे साथ हुआ क्या। क्या हुआ? मैंने अपने बहन की शादी रामगढ़ में राधा सेठानी के यहाँ उनके लड़के के साथ कर दिया। उसका नाम सागर था। सागर था। और मेरी बहन के यहाँ से फोन आया भी। फोन आया, ज्यादा नहीं 10-15 दिन विदाई किए हुए थे कि मैंने तैयारी कर रखा कि ले जाऊं दहेज के पैसे में गाड़ी पहुंचा कर आऊं। हाँ। मैंने किसी भी तरीके से अपने घर द्वार को बेचकर व्यवस्था बनाया, मैं गाड़ी और दहेज के रुपए को एकत्र किया। और जब सोचा कि मैं बहन के यहाँ लेकर चलूं, तब तक मेरी बहन के यहाँ से फोन आ गया। फोन आया तो मैंने उठाया और बात किया, तो उसकी सासू बात कर रही थी। मैंने कहा मेरी बहन से बात करा दो, मेरी बहन से बात करा दो, मुझे विश्वास हो जाएगा। मगर उसने मुझको डांट लिया बे। डांट लिया और कहा कि अरे पगले, तू यहां आकर क्या करेगा? अब तू दहेज लेकर नहीं आया, गाड़ी नहीं पहुंचाया, अब तेरी बहन भी यहां नहीं। मैंने कहा राधा से खाली साफ साफ कहो, साफ साफ शब्दों में कहो क्या बात है। तो उसने कहा कि मेरे घर में ये जो गैस जल रही थी और तेरी बहन बैठकर भोजन पका रही थी, भोजन पकाते पकाते पता नहीं कैसे क्या किया कि उसमें से लवर निकली और
फराक की आवाज यानी गैस हट गई और तेरी बहन उसी घर में जलकर राख हो गई। बेटा उस समय मैं बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत गिर गिराया, यहां तक कि पागल भी हो जाता। ये समझो कि भगवान ने मेरा साथ दिया बे कि मेरा दिमाग पागल नहीं हुआ। मेरा दिमाग काम कर गया कि ये राधा सेठानी झूठ बोल रही होगी, हो सकता है मेरी बहन को इसने जला डाला। इसलिए मैंने दहेज के पैसे गाड़ी चक्का छोड़कर ये बंदूक उठा लिया है बे। ये बंदूक किसी और के लिए नहीं, उसी राधा सेठानी के लिए उठाया हूं। अपने बहन के जान का बदला उस राधा सेठानी के जान से नहीं लिया तो मेरा भी नाम मंगल सिंह डाकू नहीं रहे। यानी आप अपने बहन के लिए बंदूक उठाए हैं? हाँ भाई, प्रतिशोध की याद में चला जा रहा हूं। एक नए दिन बदला जरूर लूंगा, पहले हम आप चलते हैं। चलो अड्डे पर कुछ बनाए खाएंगे फिर आगे की व्यवस्था। चलिए दादाजी, जय माता भवानी। अच्छी जगह इतने
जिसे अपने जान से ज्यादा मानते थे, जिसके लिए आप भैया एक कैन खाना नहीं दिखाते थे, अपनी बहन को कभी भूखा पेट नहीं सुलाते थे, आज मैं क्या देख रहा हूँ भैया, उसी बहन को पर आप बेरहमी से हाथ कर चला रहे हो। आप तो अपने बहन को जान से ज्यादा मानते थे, आप तो ये कहते थे बहन कि आपकी खुशी जहाँ है वही मेरी खुशी है, यदि आज अगर अपनी बहन अगर खुशी के लिए आपसे हाथ जोड़ रही है तो आप इतना बड़ा सिला दे रहे हैं भैया कि आप अपनी बहन को बरहन पे चला रहे हैं। छोटे भैया एक वक्त के रोटी के लिए रास्ता हो और ये जाकर इतने बड़े भैया प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, बहन तो अपनी प्यार की है बल्कि किसी के घर में चोरी तो नहीं की है। तेरे लिए मैं क्या नहीं करता, आज ही मैं राधा के घर जाऊंगा और तेरे साथ कहीं करूंगा, तेरे सिवा संसार में मेरा कोई नहीं। आप शादी के
चक्का दे तेरे खड़ा अंदर घुस जावा। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो कह सकता हूँ। कहो साहब से कहो। सुनने बात रिश्ता लेकर आया हाँ, लेकिन कौन रिश्ता लेकर आया भैया?
रिश्ता ये लेकर आया है, वो अपने लड़की की शादी अपने यहाँ करना चाहता है और दहेज में मैं 50,000 रुपया मांग रहा हूँ। क्या इतना कम मांग लिए? क्या हुआ बहन? ये तो आप जानते हैं हम आप दहेज के लोग ही नहीं है, ना तो दहेज लेते हैं ना तो देते हैं, लेकिन अगर ले ही रहे हो इतना कम और कुछ कहे हो बस इतने? नहीं भाई मैं इतना ही, तुम बातचीत कर लो। मैं बातचीत कर लूं? हाँ भाई चलो ठीक है, मैं स्वयं उससे बात करती हूँ। ठीक है क्या इसकी सूरत देख रहे हो? ये अपना भरोसा नौकर की तरह लग रहा है, ये कहाँ से 50,000 रुपए हमें देगा? और तो शादी करूंगी मैं। माता जी अगर आपके दरवाजे का हम पैंट शर्ट पहन के आ रहे तो दहेज न मंजूर? ये बात नहीं बेटा, उस पोजीशन से रहना चाहिए। मिले जो भी है इतना दहेज मिले। ठीक है मकारी परसों पढ़ रही यहाँ पर रात लेके आओ। ठीक है तुम जाओ, परसों की बारात तुम्हारे दरवाजे पहुंचेगी। ठीक
भी तुरंत तत्काल क्यों वहां पूछताछ करोगी?